हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपको शायद पता होगा, आपने सुना भी होगा कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या क्या होती है, बट बहुत कम लोग हैं जो ये जानने की कोशिश की है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस होती है। बहुत लोग एसेट्स को लायबिलिटी, लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं। तो आज वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एसेट्स होती है हमारे लिए, ऐसी कौन सी चीजें जो लायबिलिटी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एसेट्स क्या होती है। दोस्तों, ऐसी चीजें जो हमारे पॉकेट को फिल करे, माने हमारे लिए पैसा कमा के दे, वो एसेट्स होती है। ऐसी कोई भी चीजें जब हम काम ना भी करें तो वो हमारे लिए कमा के दे, दैट इज कॉल्ड आवर एसेट्स। एंड नेक्स्ट वन इज लायबिलिटीज। दोस्तों, ऐसी चीजें जो हमारे पॉकेट को खाली करे, मीन्स अगर हम उसको खरीद लेते हैं तो हर दिन इंस्टॉलमेंट के तौर पर या आहिस्ते आहिस्ते हमारे पॉकेट से वो खर्च करते रहती है। दोस्तों, दूसरे स्लाइड्स में देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए एसेट्स होंगे। आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी व्हीकल जिसको हम रेंट पे दे दिए, जिसको हम परचेस किया रेंट पे दे दिए, कोई भी ऐसी रूम या फिर घर जिसे हम खरीद के रेंट पे दिए है, तो हमारे लिए पैसे कमा के दे रही। कोई भी ऐसी वेयर हाउस या फिर कोई भी ऐसी इक्विपमेंट जिसे हम खरीदे हैं और अपने बिजनेस में लगाए हुए हैं या किसी को रेंट पे दे दिए, तो दोस्तों वो सब चीज़ें हमारे लिए एसेट्स हैं। बिकॉज हम वहाँ पे काम नहीं कर रहे, वहाँ पे अपना टाइम नहीं दे रहे, फिर भी वो मुझे जो है हर मंथ में पैसा कमा के देती है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों एसेट्स होती हैं। अब दूसरी होती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत से लोग लोन ले के रहते हैं जो हर मंथ हमारा इंटरेस्ट कटता है, तो वो लायबिलिटीज होता है। महंगी कार हम खरीद लेते हैं तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका पेट्रोल कॉस्ट, ये हर वक्त हर टाइम ये हर मंथ वाइज हमारे पॉकेट से इंस्टॉलमेंट के तौर पर पैसे को खाली करते रहती है, तो ये सब लायबिलिटीज़ है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जिसे हम ले लेते हैं और फिर बाद में उसका मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई के तौर पर हम पैसा चुकाते रहते हैं, तो ये सब जो है हमारे लिए लायबिलिटीज़ होती है। महंगी घर अगर हो गया तो उसे हम टैक्स देते रहते हैं और ज़िंदगी भर ऐसे ही हमारा वक्त चले जाता है, तो दोस्तों ये सब होती है लायबिलिटीज़। अब दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसर्न है। आप देखोगे कि वाई रिच पीपल इज रिच, मतलब ये होता है कि हमेशा अमीर आदमी ही अमीर क्यों होता है। बहुत लोग कहते हैं ना कि पैसे से पैसे बनाया जाता है, बट क्यों? बहुत लोग के पास पैसे होते हैं तब भी वो पैसे नहीं बना सकते और वो पैसे को गंवा देते हैं, क्योंकि वो पैसे से पैसे कैसे बनाना है उसे मालूम नहीं है। तो इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे कि वाई रिच पीपल इज रिच, बिकॉज दे फर्स्ट दे आर बाय देयर एसेट्स, क्योंकि वो सबसे पहले जो है अपने लिए एसेट खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अगर एसेट हम खरीद लेंगे तो वो एसेट ही है जो हमें कमा के देगा, तो इसीलिए वो एसेट को खरीदते हैं। अगर वो काम ना भी करे तो एसेट कमा के देगा। और हम देखेंगे कि वाई पुअर पीपल इज पुअर। मैंने पहले ही बताया कि बहुत से अमीर लोग हैं जिनके पास अचानक से कोई पैसे आ गए लेकिन कुछ सालों बाद वो पैसे खत्म हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उन्हें वो मालूम ही नहीं होता है कि वो उस पैसे से पैसे कैसे बनाए। तो why poor people is poor? Because they first buy their liabilities then assets. क्योंकि वो जो है सबसे पहले अपने लिए आराम व आसाइश का सामान खरीदते हैं, liabilities खरीदते हैं, ऐसी चीजें जो उनके पॉकेट को खाली कर दे, वैसी चीज पे अपना इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो इसीलिए जो है वो poor ही रहते हैं, poor ही पैदा होते हैं, poor ही मर जाते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के रिगार्डिंग में आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करूंगा, रिच डैड एंड पुअर डैड, ये बाय रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसे पढ़ा है, ये ऑडियो में भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग और भी नॉलेज चाहिए तो इस बुक को जरूर पढ़ें। दोस्तों, अगर होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें, और हमारे वीडियो में कुछ भी सुधार अगर चाहिए तो कमेंट करें ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। थैंक यू।